वेल, आज के इस एपिसोड में हम रिसोर्सेज टर्म डिस्कस करने वाले हैं। इकोनॉमिस्ट जब रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उनका मतलब प्रोडक्टिव रिसोर्सेज से होता है। रिसोर्सेज को वास्तव में प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस करने में सक्षम होना चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं कि हम किस तरह के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की बात कर रहे हैं? हम मैन पावर, फ्यूल और एनर्जी के साथ साथ मशीन्स, फैक्ट्रीज, प्लांट्स और एनिमल्स जैसी न जाने कितनी चीजें अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं। इकोनॉमिस्ट चीजों को आसान बनाने के लिए हमेशा काम करते रहते हैं, इसीलिए उन्होंने रिसोर्सेज को बड़े पैमाने पे कैटेगराइज किया है। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है। इसमें फार्म लैंड यानी कृषि योग्य भूमि और रियल एस्टेट के साथ साथ पेड़ पौधे, जानवर, विंड, सन, वाटर और ऑयल जैसी बहुत सी चीजें शामिल हैं। लेबर कैटेगरी में फिजिकल या इंटेलेक्चुअल ह्यूमन सर्विसेज शामिल हैं। फिजिकल ह्यूमन सर्विसेज लेने के लिए ये जरूरी है कि इंटेलेक्चुअल क्लास उनके पावर मैनेजमेंट को सीखे। एथलेटिक लेबर को जॉब ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स और एजुकेशन के जरिए उन्हें इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में कन्वर्ट भी कराया जा सकता है। कैपिटल यानी पूंजी हमारी अगली कैटेगरी है। यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि मनी कोई रिसोर्स नहीं है। आपको याद होगा कि रिसोर्सेज का प्रोडक्टिव होना जरूरी है। जी हाँ, मैंने सही कहा, मनी इकोनॉमी के स्मूथ मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट जरूर है, ठीक वैसे ही जैसे किसी मशीन के स्मूथ मूवमेंट के लिए ग्रीस जरूरी है। लेकिन ये सच है कि मनी खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसीलिए इसे रिसोर्स की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। ये कन्फ्यूजन काफी हद तक दूर किया जा सकता है क्योंकि ज्यादातर मीडिया कैपिटल के बजाय फाइनेंशियल कैपिटल या इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं जो सीधे इकोनॉमी को रेफर करता है। लेकिन इकोनॉमिक कैपिटल क्या है? बाय डेफिनेशन इकोनॉमिक कैपिटल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में इस्तेमाल की जाती है। दूसरे शब्दों में इसे मशीनरी या इक्विपमेंट भी कहा जा सकता है, जिसमें फैक्ट्री समेत उनके कंप्यूटर्स, फर्निशिंग्स, बुक्स, रोड्स और फोन लाइंस जैसी दूसरी चीजें शामिल होती हैं। एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी यानी उद्यमी क्षमता लास्ट और इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी की सही पहचान करने के साथ साथ रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है और रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है। क्या आप जो जॉनसन को जानते हैं? 1980 के आखिरी दशक में उन्होंने और उनके पार्टनर ने इंजीनियरिंग जॉब छोड़ के डाउनटाउन टेम्पी में एक कॉफी शॉप खोली। उस टाइम पे डाउनटाउन एरिया उतना डेवलप्ड नहीं हुआ करता था, इसीलिए लोगों को उनका ये आइडिया काफी बेवकूफाना लगा क्योंकि डेजर्ट में रह के शायद ही कोई कॉफी शॉप चलाना चाहेगा। फिर भी जो और उनके पार्टनर ने चांस लिया और कॉफी प्लांटेशन नाम की कॉफी शॉप शुरू की। आप माने या नहीं, लेकिन उनका ये आइडिया सक्सेसफुल रहा। उन्होंने रिस्क लिया और रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। कॉफी प्लांटेशन बेचने के बाद जो ने अपने दूसरे बिजनेस को स्टार्ट किया, जोज बारबेक्यू, जोज फार्म ग्रिल और लिबर्टी मार्केट उनका सबसे लेटेस्ट स्टार्टअप है।